हेलो माय डियर स्टूडेंट स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की बायो पॉइंट की इस क्लास में जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्रोटोप्लाज्म के बारे में एंड एक देन एक करके सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग पढ़ेंगे आज हम आप स्टडी करेंगे सेलवॉल के बारे में सेल वॉल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक किसके द्वारा देखा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस में इस तरीके से बॉक्स लाइक -like जो स्ट्रक्चर देखा था उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने दिया था सेल एंड ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर तब उनको दिख पाया जब वो किसी आउटर कवरिंग में क्या रहा पैक रहा तो उस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं सेल वॉल थीकनेस इज अबाउट जीरो पॉइंट वन मिलियम टू टेन मिलियम इन डिफरेंट सेल अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से इसकी थीकनेस होती है इट इज सिक्रीटेड बाई साइटो प्लान बनता कैसे है तो जो इस पैकेजिंग इट मीनस अगर ये सेल है तो सेल के अंदर यहां पे जो लिक्विड बायो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं के द्वारा सेल वॉल को सीक्रीट किया जाता है मोस्टली इट इज फाउंड इन द प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन सब में होता है फंगस में होता है अलग अलग तरीके से इनका कंपोजिशन होता है केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लांट्स में अलग तरीके से प्रो कैर में अलग तरीके से फंगस में अलग तरीके से सेलवॉल का कंपोजिशन होता है हम लोग सबको पढ़ेंगे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट के सेलवॉल की तो प्लांट के सेलवॉल का अगर केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखते हैं तो इट इज मेनली मेडअप ऑफ सेलुलोज सेलुलोज इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो इस तरीके से आप छे कार्बन वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख चुके हैं एंड देन वो लिंक्ड होता है किसके द्वारा एन एनग्लाइकोसेटिक लिंक के द्वारा वो क्या होता है लिंक्ड होता है यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है अब ये एक यूनिट ग्लूकोज की ये दूसरी यूनिट ग्लूकोज की ऐसे बच्चों तो ढेर सारे ग्लूकोज के यूनिट मिल करके लगभग सिक्स थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट इन ई चेन सारी चेन जो यहां पे हम लोग प्लांट के सलवॉल की बात कर रहे हैं उसमें सिक्स थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट ई चेन में 30 टू 60 जो सेलुलोज मॉलिक्यूल इस तरीके से बना एंड 30 टू 60 सेलुलोज के मॉलिक्यूल मिल करके एक बंडल बनाते हैं इस तरीके से क्या होगा वो बंडल्स ग्रुप्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट को क्या करते हैं इस तरीके से कवर करने का काम करते हैं इज अबाउट फाइव टू टेन एन एम थिक एंड ये जो बंडल यहाँ पे बना इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल याद रखिएगा क्या कहते हैं मायोफाइब्रिल ग्रुप ग्रू, ऑफ थर्टी टू सिक्सटी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को मायोफाइब्रिल अब ये मायोफाइब्रिल ज्वाइंट कैसे होगा तो ये आपस में जुड़े रहते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड इट मीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और इस तरीके से एक लेयर के फॉर्म में पूरे सेल के अराउंड क्या रहते हैं कलेक्ट uh, रहते हैं दूसरे केमिकल की बात करें इट इज हैमिशलोज इट इज ब्रांच पॉलीसैक्राइड पेक्टिन भी होता है तो पेक्टिन की बात करें इट इज ब्रांच और अनब्रांस पॉलीसैक्राइड एंड प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल के कंपोजिशन में इट इज अ एक्सटेंशन जो स्ट्रक्चरल बनाता है फॉर्मेशन करता है एंड एक्सपेंशन जो उसको क्या करता है टेंसिल स्ट्रेंथ देता है जिसके नाते फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है दीज आर द टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। इनका अगर कंपोजिशन देखना चाहे तो सेलुलोज लगभग 50 सबसे ज्यादा 50 टू 60 परसेंट ये 100 परसेंट जो केमिकल है वो प्लांट वॉल को मिलकर के बनाते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल की अगर हम लोग बात करें तो इट कंसिस्ट थ्री लेयर प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल एंड टर्सियरी वॉल अब चूंकि बायोलॉजी में मैं कहता हूं कि डायग्राम फिगर बोलता है तो आइए पहले डायग्राम से समझते हैं इसको तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इट इज डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा मिडिल लैमिला का मतलब इस तरीके से नेबरिंग सेल यहां पे क्या होगा लगा होगा इस तरीके से नेबरिंग सेल ऐसे ही तो सेल प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में तो ये मिडिल लैमिला है मिडिल लैमिला जो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़े रखता है देन प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर एंड सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब लेयर एस वन एस टू एंड एस एंड देन टर्सियरी वॉल को प्रेजेंट होती है एंड देयर इज अ ल्यूमेन जहां पे सेल्व के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे इट मीन्स प्रोटो प्लांट प्रेजेंट होगा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सेल वॉल सेल को सराउंड किए रहता है, मेनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड पे हम लोग समझे इस डायग्राम से तो पूरे सेल को क्या करता है वो इस तरीके से कवर करता है तो ये हो गया मिडिल uh, प्राइमरी uh, सेल वॉल की लेयर एंड सेकेंडरी एंड टर्सियरी वॉल की लेयर हो गई अब यहां पे हम लोग एक एक करके समझते हैं प्राइमरी वॉल की बात करें तो इट इज अ सिंगल लेयर जैसा आप देख पा रहे हैं फाउंड इन मैरिस्टमैटिक एंड पेरेंट सेल्स मैरिस्टमैटिक सेल जो ग्रोथ करते हैं सेल उनमें मेनली प्रेजेंट होता है लीब्स एंड फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं इसकी थिकनेस की बात करें तो वन टू थ्री म्यूम होती है इट इज अ परमिएबल परमीएबल का मतलब होता है इट अलाउज सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट सारे सबस्टेंसेस को परमिट कर देता है मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेलुलोजिक होता है एंड ग्रोइंग बाय इंटुसेप्शन इंटोसेप्शन का मतलब क्या होता है ये वर्ड चूंकि बायोलॉजी में वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए इंटूसैप्शन का मतलब होता है जैसे जैसे सेल लोज के मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ते जाते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता जाता है एंड आफ्टर देन ये क्या होता है मेच्योर हो जाता है वॉल की बात करें तो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द

स्टडी कर रहे हैं जिससे आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंडियरी वॉल की बात करें तो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेकेंडरी वॉल जैसा आप देख पा रहे हैं मोर्थिक इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा थिक होती है इट इज इन जाइलम ऑफर टिश्यू जो क्या करता है, है, है? प्रेजेंट होते हैं बात करें यहां पे मिडिल की तो ये क्या करता है ज्वाइनिंग का काम करता है स्टिकी नेचर का होता है एमार्फस होता है कोई सेप इसका क्लियर नहीं होता एंड केमिकली के ये मैग्नीशियम एंड कैल्सियम पैक्टेट का बना होता है सो दैट इट ज्वाइंस द नेवरिंग सेल टाइटली क्या करता है ज्वाइंट करने का काम करता है। अगर हम लोग बात करें इसके थिकेनिंग की इटमींस ये थिक कैसे होती है तो यहाँ पे सेकेंडरी डिपोजिशन होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट्स में नेचुरली अकरिंग होते हैं तो उनमें नाम है किसका लिग्निन क्यूटिन सुबेरिन एंड सिलिका, ये सब क्या करते हैं सेलवॉल को थिकेनिंग देने का इटमीन्स थिक बनाने का काम करते हैं इंट्रा सेलर कनेक्शन की बात करें चूंकि एक सेल को दूसरे सेल से क्या करना पड़ेगा कनेक्शन करना पड़ेगा एंड उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोटा जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या करता है कनेक्ट करने का काम करता है इंट्रा सेलर स्पेसिस में कंटेन सम नॉन लिविंग मैटर बहुत नीट में पूछा जाता है नॉन लिविंग मैटर उनको हम लोग एपोप्लाज्म कहते हैं बात करें फंगल सेल वॉल की तो इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन कुछ में चिटिन भी पढ़ते हैं लोग काइटिन इट अ पॉलीमर ऑफ एसिटल ग्लाइकोसामिन यूनिट्स का बना होता है जिसका फॉर्मूला होता है सी एट एस फिफ्टीन एनओ सिक्स एंड इट इज मोनोसेक्राइड एक क्या है मोनोसेक्राइड भी आप सिंपली बोल सकते हैं एंड काइटिन इज आल्सो अकर्स इन बंडल्स लाइक सेलुलोज मॉलिक्यूल जिस तरीके से 20 टू 30 यूनिट्स मिल करके क्या करते हैं बनाते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट उसी तरीके से सेटिन भी क्या करता है बंडल्स में प्रेजेंट होता है बात करें प्रो सेल वॉल की इट इट इज इज ऑफ क्या है इट इज अ मॉडिफाइड पॉलीमर ऑफ शुगर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं इट आल्सो कंटेन टिकोइक एसिड टिकोइक एसिड का क्या फंक्शन होता है ये सेल वॉल का सिप डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया को सेल डिवीजन में क्या करता है हेल्प करता है सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी किसी भी मैकेनिकल इंजरी से सेल को बचाता है प्रोटेक्ट द सेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजे फॉरिन पार्टिकल्स पैथोजें जो डिजीज काजिंग है वो सेल पे अटैक नहीं कर पाएंगे हेल्प इन सेल टू सेल कनेक्शन सेल्फ सेल्फ प्लाज्मो डस्मेटा हमने आपको बताया इट अलाउज द मेटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल बिना इसके सेल अपनी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी वो परफॉर्म नहीं कर सकता है माई डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेल वॉल का ये टॉपिक कंप्लीट होता है कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं एंड कीप वॉचिंग थैंक यू